हेलो, वेलकम टू यू पीके इंग्लिश क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे नाइन्थ एंड टेंथ क्लास में जो स्पेलिंग का चैप्टर आता है, कम से कम 2 नंबर की स्पेलिंग पूछी जाती हैं। नौ दस के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपना जवाब दें। पहले क्वेश्चन की सही स्पेलिंग आप बताएं कि बिलीव की सही स्पेलिंग क्या होगी? BELIEVE, या थर्ड ऑप्शन BELEIVE, या फोर्थ ऑप्शन BILEIVE। तो सही स्पेलिंग हो जाएगी BELIEVE, बिलीव। बिलीव माने विश्वास करना। सही स्पेलिंग आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर टू, रिसीव की आपको सही स्पेलिंग बतानी है। RECIEVE, RECIVE, या ऑप्शन नंबर थर्ड RECEVE, या ऑप्शन नंबर फोर्थ RECIVE। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू रिसीव। ध्यान दें, पिछली बार हाई स्कूल के बोर्ड क्लास में जो पेपर आया था उसमें बिलीव की स्पेलिंग पूछी गई थी। क्वेश्चन ये था कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो वहाँ पर बिलीव की रॉन्ग स्पेलिंग दी गई थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, अटेंडेंस की बताना है। अटेंडेंस की स्पेलिंग बहुत सावधानी पूर्वक बताना है, अधिकांश लोग गलत कर देते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अटेंडेंस में लास्ट में डांस आएगा, ANDANCE, अटेंडेंस, यानी ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, ग्रामर की सही स्पेलिंग बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा कि फोर्थ होगा, आप लोग बताएं। ग्रामर की सही स्पेलिंग होती है GRAMMAR। ध्यान देना है आपको कि AR लगाना है, ना कि ER, तो जाएगा ग्रामर। नेक्स्ट, आप लोगों को याच, याच माने किश्ती, किश्ती की सही स्पेलिंग बताना है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है कि फोर्थ ऑप्शन सही है? ध्यान दीजिए, सही स्पेलिंग जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है, YACHT, YACHT। जी हाँ, बिल्कुल यही स्पेलिंग सही है। आपको लग रहा होगा कि YATCH, ये रॉन्ग है, बल्कि सही स्पेलिंग है फर्स्ट, YACHT।
सिमेट्री की बताना है। सिमेट्री माने होता है कब्रिस्तान, बरियल ग्राउंड। सिमेट्री की भी जो स्पेलिंग सही होगी पहली होगी। CEMETERY ध्यान देना है कि सब कहाँ, जहाँ पर भी ई वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है कि CEMETERY सिमेट्री। इसमें ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट एड्रेस, बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग है, कई बार बोर्ड की क्लास में पूछी गई है एड्रेस की स्पेलिंग। एड्रेस में याद रखना है डबल डी आता है, डबल एस आता है, तो ADDRESS एड्रेस ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग बताना है। फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड सही है कि फोर्थ सही है। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा कि ब्यूटीफुल में सिंगल एल आता है ना कि डबल। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर की बताना है। कैलेंडर की सही स्पेलिंग याद रखना CALENDAR, ER नहीं होता बल्कि AR होता है कैलेंडर, CALENDAR कैलेंडर। नेक्स्ट स्किलफुल की बताना है। बहुत ही जब ऐसे बोर्ड में स्पेलिंग आते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा रॉन्ग है। बस आपको इतना ध्यान रखना है सिंगल यल यल वाली स्पेलिंग सही होगी, SKILFUL स्किलफुल, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वारंटी की बताना है। वारंटी हो गया, गारंटी हो गया, कमेटी हो गया, बहुत सी स्पेलिंग पूछी जाती है वारंटी की। WARRANTEE वारंटी, वारंटी की स्पेलिंग हो जाएगी फर्स्ट, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। कमेटी बताना है। याद रखना कमेटी में WMEEE COMMITEE ऑप्शन नंबर सेकेंड। डिसीव माने धोखा देना, कौन सी स्पेलिंग सही होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट DECEIVE गारंटी की स्पेलिंग आपको बताना है। GUARANTEE या सेकेंड ऑप्शन GUARANTY, ऑप्शन नंबर थर्ड GUARANTEE GUARANTAI। तो गारंटी की जो स्पेलिंग सही होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
GUARANTEE, वारंटी में वाई होता है लेकिन गारंटी में डबल ई होता है, ना कि डबल टी। लास्ट क्वेश्चन रेस्टोरेंट की बताना है। RESTAURANTE ऑप्शन नंबर सेकेंड, RESTUARANTE ऑप्शन नंबर थर्ड, RESTAURENTE ऑप्शन नंबर फोर, RETORANTE। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा रेस्टोरेंट, RESTAURANTE रेस्टोरेंट। प्रिय बच्चों, आप लोग इस स्पेलिंग को पेन डाउन करें, अपने नोटबुक में लिखें और इनको दोहराएं, पढ़ते जाएं आप लोग, समय बिल्कुल बर्बाद न करें। परीक्षा बहुत नज़दीक है, यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक यू।